एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा। कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, और ये वीडियो बेसिकली शोएब जमाई जी को तो सभी जानते ही हैं, और इनसे रिलेटेड काफ़ी हमने वीडियोज भी देखी हैं जिसमें हर कोई तीनों क्लास लेते ही रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं वीडियो में भाई क्या रोस्ट किया गया है इनको। फनी वीडियो होने वाली है, फनी भी हो सकती है, रोस्ट भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्रिया करने वाले दोषी हैं इसलिए उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। साहब इस लॉजिक से मैं चलूं तो बजरंग मुनि ने तो पहले ही क्रिया की ना, जो रेप की धमकी दी। अरे भाई आप तो क्या उसकी प्रतिक्रिया कर देंगे उस पर? वो आप उस भटका ही मत था, मैं लाउड स्पीकर पर आना चाहती हूं। मुजफ्फरपुर में जो मस्जिद में चढ़ गए झंडा लेके, वो मुजफ्फरनगर में भी मंदिर तोड़ा गया ना, उसका प्रतिक्रिया होना चाहिए, उसकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कैसे अगर आप मुजफ्फरपुर बता रहे हैं तो मैं मुजफ्फरनगर बता रही हूँ भाई, इसको इस तरीके से ले जाने की कोशिश में मत कीजिए। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर दोनों जगह ये हुआ, एक जगह मस्जिद, दूसरी जगह मंदिर। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं पर भी अटैक हुआ है। ये बताइए कौन से ये हिंदुओं का यहाँ से घर वहाँ पे तोड़ा गया खरगोन में, आप बताइए ना। जितने भी बुलडोजर चले, पूरी खबर पता ही नहीं है सर। बुलडोजर उन लोगों के ऊपर चलाया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की है। क्या बात करते हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया है तो कोर्ट कहां चली जाएगी? जमीन पर अतिक्रमण करेंगे तो फिर आपकी जमीन वापस ली जाएगी। अतिक्रमण यहां से एक हफ्ता पहले नहीं मालूम था? आप देखिए सर, पत्थरबाजी के बाद आप देखिए सर, दोनों तरफ से हुई ना पत्थरबाजी। आप मेरी बात सुनिए, प्लीज एक बात सुन लीजिए मेरी। पत्थरबाजी करेंगे और फिर चाहेंगे कि आपको संरक्षण मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अतिक्रमण करेंगे और आप चाहेंगे कि बुलडोजर नहीं आकर आपको सहलाया जाए, वो नहीं चलेगा सर। ड्यू प्रोसेस नहीं होगा। मैं बुलडोजर पर बात नहीं कर रही हूं। अगर कोई कत्ल भी करता है ना तो उसका ड्यू प्रोसेस होता है, कोर्ट अदालत उसको सजा देती है। लाउडस्पीकर में कानून ना हो, यहाँ वाले में कानून बंद माना जाए, लेकिन लाउडस्पीकर वाले में कानून को आप साइड में रख दीजिए। कोर्ट को आप ताला लगा दीजिए। क्यों लगाए? तो ये मॉब जस्टिस नहीं हुआ? नहीं, क्यों लगाए? क्या जांच हुई? क्या है जो शामिल थे अतिक्रमण में? अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना, अतिक्रमण में बुलडोजर है? हाँ तो अतिक्रमण नहीं है। अरे भाई उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पत्थरबाजी की उसके अतिक्रमण है कि नहीं है ये बताइए ना मुझे। क्यों अतिक्रमण है? दिखाइए नोटिस अतिक्रमण का, आप नोटिस दिखा दीजिए अतिक्रमण का। हाँ तो आप मांग लीजिए ना, PIL दर्ज कीजिए ना। आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? PIL, हाँ तो जाइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जबरदस्ती की बहस भटकाने का काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हटाइए ना मस्जिदों से, लोगों को परेशानी हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? मतलब नाउ मौलाना साहब स्टॉप इट, आप रुक जाइए, डोंट ट्राई टू हाईजैक, कीप क्वाइट नाउ। कि जैसे ही शोएब जमाई ने बोलना शुरू किया सारे यहाँ हिंदू मिलके पत्थरबाजी करने लगे और मैं चुप हो गया। यही इस देश की माइनॉरिटी का हाल है, इस देश के अल्पसंख्यक का यही हाल है। ये लाइव डेमो था इसलिए मैं चुप रहा। अब आप, मैं बात बताता हूँ, लाइव डेमो करूँ मैं आपके साथ? देखिए करा, एक लाइव डेमो करूं मैं आपके साथ गंगा जमनी तहजीब का? मैं चूड़िया बेचता हूं, चूड़िया दिखाइए इनको स्क्रीन पर, मैं और शोएब जमाई एक अभी मैं गंगा जमनी तहजीब का लाइव डेमो करता हूं इनके साथ। बड़ा लाइव डेमो का आपको शौक है ना? आप भी गंगा जमनी तहजीब में भरोसा करते हैं शोएब जमाई? अरे भाई क्यों नहीं बुलाना था यार, क्यों अभी तरावी का वक्त हो रहा है, मंदिरों में छोड़ दूंगा, मंदिरों में नमाज भी हो रही है, ईदी भी हो रही है, और यहाँ देखिए मुस्लिम मोहल्ले में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रहा है और आप आकर हंसते हैं, आप दांत फाड़ते हैं, आप मुस्कुराते हैं, सुन लो, पीटा गया, कूटा गया, पत्थर मारे गए उन पर हिंदू भाइयों पर और आप हंस रहे हैं। तुम्हारे त्योहार BHP वालों के लिए जो है नफरत फैलाने की वजह बन गई है। नवरात्रा आया तो सारे मुसलमानों की दुकान बंद करवा दो, जगराते करेंगे तो रात रात भर डीजी बजा करके मस्जिदों के सामने परेशान करेंगे, रैलियां निकालेंगे तो मस्जिद के सामने जाके प्रवोक करेंगे। ये कौन सा त्यौहार? तुम्हारे त्यौहार धर्म आपको सुना आपने? ये इनकी गंगा जमनी तहजीब है, इनकी भाषा देखिए, कह रहे तुम्हारे त्यौहार हिंदुओं, तुम्हारे त्यौहार, सुनिए इनको, इनका चेहरा देखिए बहुत ध्यान से, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनकी भाषा देखिए, कह रहे हैं तुम्हारे त्योहार, आप लोग सेकुलरिज्म की सेवैयां खिलाएं इनको, इनका चेहरा दिखाइए, आप लोग सेकुलरिज्म की सेवैयां खिलाएं इनको, मंदिरों में ईद मनाएं, गुरुद्वारों में नमाज पढ़ाएं और रोजे खुलवाएं मंदिरों में, और ये लोग कहते हैं तुम्हारे त्योहार, हिंदुओं तुम्हारे त्योहार आते हैं, शर्म नहीं आती है कहते हुए?
बड़ी बड़ी बातें करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, एक शब्द नहीं निकला कि गलत हुआ, एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से कि गलत हुआ शोएब जमाई, गलत हुआ हिंदुओं के साथ जो उन पर पत्थर बरसाए गए, और आप मुझे कह रहे हैं मैं भी पत्थर लेकर बैठा हूँ, धमकाते हैं क्या आप, धमकाते हैं क्या हम लोगों को, आप हिंदुओं को धमकाते हैं क्या, पत्थर लेकर बैठा हूँ मैं। मैंने कहा गुड़गांव में जिस तरह से आपने एजेंडा चलाया, मुसलमानों को परेशान किया, वो कहां गंगा जमनी तहजीब थी? गंगा जमनी तहजीब ना, मैं हिंदू हूँ, चलिए मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ ना शोएब जमाई, मैं हिंदू हूँ, मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बोलता हूँ, आप बोलिए हर हर महादेव, बोलिए मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर, आप बोलिए जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, हिम्मत है बोलने की, बोलिए आप, एकम ब्रह्मा द्वितीयम किंचित नास्ति, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए ना, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए जय श्री, छोड़िए ना शोएब जमाई, घरों में पत्थर रखते हैं, यहाँ पर आकर दांत फाड़ते हैं हिंदुओं को, गली में मारा जा रहा है और आप हंसते हैं। जमाई एक बात कान खोल के सुन लो, कान खोल कर कहा हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है तुम सड़क पे मुझे कूट सको। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दम नहीं है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, नहीं ये गलत बोला भाई, ये दम नहीं है कि तुम मुझे सारे भाई, ने गलत बोला, कोट के दिखाओ, देखो मुझे कोट के दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के ये बॉय, आतंकवादियों को बाहर निकालेंगे, चार फुट का आदमी डरा, कैसे कैसे डर गए, भाषा की मर्यादा ना भूले, आपकी मेंटालिटी भाषा की मर्यादा ना भूले, कलेजा थर 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 कांपने लगा, किसका कांपेगा, आप बोल रहे हैं कि हम किसका कांपेगा, क्या हमने कुछ बोला क्या, क्या है भाषा, अमूजी अमूजी चार फीट से नहीं होता है, चार फीट के होते हैं बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। कि अगर किसी ने गुस्से में, मानते हैं कि जैसे एक होता है कि गुस्से में हत्या हो जाना, दो चाकू तीन चाकू गुस्से में मार दिए, पर अगर 25-25 30-30 मारे हैं और अंकुश शर्मा के 100-100 मारे हैं, तो ये गुस्से में की गई हत्या नहीं है, नृशंस हत्या है जो एक मैसेज देने के लिए की जाती है। ये क्यों सर काटे जाते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इराक हो, चाहे भारत हो, क्यों होता भाई सर काटने की बात, और एक ही प्रकार का नारा लगा के एक ही जगह सर क्यों काटा जाता है, हत्या तो गोली मारकर भी हो सकती है, परंतु ISIS से लेके फादर जोसेफ का हाथ काटने तक सिर्फ यही क्यों होता है? इसलिए इस पे गंभीरता से विचार करिए। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लाम का उतना जानकार नहीं हूं, मेरी जानकारी के अनुसार तो इस्लाम में ब्याज लेना कुफ्र है, तो आप लोग बैंक को क्यों नहीं चेक लौटा देते हैं कि मैं साहब इंटरेस्ट नहीं लूंगा, इस्लाम में अगर कहिए लिख के दीजिए कि मैं शराब पीता पकड़ा जाऊं तो मुझे पत्थर मारे जाएं, और ये कहिएगा कि चोरी करता पकड़ा जाऊं तो मैं हाथ कटवाऊंगा, मगर मुझे इस्लाम में अकीदत नहीं है, और दोनों से मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सईदा जी से नहीं कहते हुए, क्या ये बताइए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार, एक मिनट अरे भाई बोलने दीजिए, मैं किसी के में नहीं बोलता हूँ, क्या तरीका बार बार इनको डिस्टर्ब करने का, डिबेट वही सही रहती है, दर्शकों को पूरी बात समझ में ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा, मनुष्य है ये, तुम्हारी इतनी औकात थी ना, चलो ये बदतमीजी है, आ जाना था ये जूता मारते हम तुम्हें, हमारी औकात इतनी है, ये देखो चालू हो गए आप, शोएब जमाई अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं, ये धंधा चलने वाला नहीं है, इतनी औकात थी तो कितनी, शोएब जमाई मजबूर करिए मुझे आप, मैं शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई इतने बड़े शो में आकर ये काम करने करे, जूता नीचे रखो अपने पहले, देखिए 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 आप गुंडे नहीं है शोएब जमाई, कहीं शोएब जमाई कहीं के गुंडे नहीं है आप, जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है, क्योंकि ये संबित पात्रा, मुझे माफ करिएगा आमिश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को आप डिबेट में मत इनवाइट करें। ये देखिए, ये बिहार की एक मस्जिद है, हाँ? जहां गांव से शोभा यात्रा निकली है, हाँ? और यहां लड़के देखिए मस्जिद की मीनार पर चढ़े हुए दिख रहे हैं, वहां हाँ? भगवा झंडा फहरा रहे मस्जिद की मीनार पे, हाँ? ये सिर्फ
दिखाई नहीं दे रहा भाई, इस साइड कीजिए ना, थोड़ा आप उल्टी तरफ दिखा रहे हैं, इस साइड। हाँ हाँ ठीक है, ये देखिए, ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या लिखा है, भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वापस दिखाना, भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वापस दिखाओ, वापस दिखाइए ना जामे साहब, क्या लिखा है वो, अरे कहाँ चले गए, नहीं 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 वापस वही वाला वीडियो दिखाइए, खोली खोली, खोली असलियत दिख रही है आपकी, हाँ क्या, नहीं नहीं ये हाँ ये क्या लिखा है इसमें, ये देखिए इसमें लिखा है कि अगर किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान अगर इस तरह से पहले जो वीडियो आ रहा था, इससे पहले वाला वीडियो कहाँ गया है, इसी में है वो, आगे आएगा, क्या कह रहा है वो वीडियो, ये सिर्फ ये हिंदुस्तान में राम को बैन करने का वक्त नजदीक आ गया, यही नहीं रुकी बल्कि गाजीपुर कश्मीर में मैडम उल्टी गंगा मत बहाइए, उल्टी गंगा नहीं वो तो जो लिखा था मैंने पढ़ा है भाई साहब, आप ही वीडियो दिखा रहे थे, मैंने तो आपसे कहा वीडियो दिखाई और वीडियो में क्या दिखाया कि राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, हिंदुस्तान में आप राम को बैन करेंगे हैं, नहीं नहीं हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे, कहां से लाते हैं ये ऐसे नफरती वीडियो आप, अरे सुनिए आप, गाजीपुर के गमहर में हुई, सीतापुर में एक मुनि नारे लगाता है कि मुसलमान लड़कियों को खींच खींच के रेप करूंगा, गुजरात में हुई, मंडिया में हुई, गोरखपुर में क्या हुआ था, एक जगह नहीं, आप वाली बातें सारी मान लें और जो दूसरी तरफ से हो रहा है उस पे पर्दा डाल दें, क्यों आपके हिसाब से यूएई एक मुस्लिम कंट्री, उसने क्यों इस फिल्म को बिना कट के पास किया होगा जो मुसलमान विरोधी फिल्म बताई जा रही है, नफरत फैलाने वाली फिल्म बताई जा रही है, वो एक तालिबानाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इसको सर देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोएब जमाई आपको दिख रही होगी, मुझे नहीं दिखती, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कहा है, जो मैं प्रश्न भी पूछ रहा था कि इस देश में जो एक वर्ग है उसको क्यों प्रॉब्लम है, अभी कुछ दिन पहले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने भी एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर फाइल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है, तो ये बात आप उनको क्यों नहीं बोलते कि इस वर्ग को क्या दिक्कत है, उनको क्यों चाहिए इस फिल्म में पे बैन लगे, दिक्कत है उनको इस फिल्म से, मैं बता रहा हूँ जी सर, देखिए ये कहना कि इस फिल्म का मुसलमानों ने कोई बहुत ज्यादा विरोध किया हो वो कहना गलत है, बल्कि विपक्ष जो बीजेपी से हटके अलग दूसरी पार्टियां जैसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं, बदरुद्दीन अजमल तो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनका कहना था कि इस फिल्म को तुरंत बैन करो नहीं तो बहुत नफरत फैल जाएगी इस देश के अंदर, और मैं पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ भी दूं, मैं तो कह रहा हूं वो जो पत्रकारों ने चिट्ठी लिखी थी, आशुतोष को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, एन राम को आप जानते होंगे, उनका नाम सुना है आपने, और पूरी लिस्ट है, आप सबके नाम जानते होंगे, उन्होंने कहा इस पे नफरत फैल रही है, तो आप मुझे बताइए यूएई को नहीं लगता कि नफरत फैलेगी, आप कह रहे कितने ओपन माइंडेड है, हमारे देश के ये सो कॉल्ड पत्रकार ओपन माइंडेड क्यों नहीं है, ये नोट किया जाए, जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी, आप यहां मत आइए प्लीज, प्लीज प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए, ये आपके बम हम ले सकते हैं, ना 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 ये हट जाइए, ये आपके घर में भी होगी, प्लीज ना आप दूर रहिए, 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 दूर रहिए, पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है, पता नहीं क्या कर बैठे, नहीं ये विषय गंभीर है, हम तो उनके पास नहीं जा रहे हैं, ये पास क्यों आते हैं, ये क्यों पास आते हैं इस प्रकार के मुद्रा के साथ, ये पास क्यों आते हैं, ये हाथ उठा करके पास आना, हमने हम इनके पास गए, हम इनके पास आए, ये हाथ उठा करके पास आना, हिंदू मुस्लिम पास नहीं आएंगे तो क्या, हाथ उठा के पास आएंगे, ये कट्टरता है, अरे हाथ कट्टरता है, देखिए शोएब भाई आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो, ट्रेन का इंजन ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए, आपको मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता, अरे हमको क्यों पकड़ते हो, रमजान का टाइम, नाम ले रहा हूँ बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ बड़ी इज्जत दे रहा हूँ भाई, टीआरपी मिल जाएगी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चलो देखो एक अमन जी इसमें जरा दो मिनट हमें देना अन इंटरप्टेड, मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो
और जब कर्नाटक में ट्रेन कैसे पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं 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 सवाल मेरा था ना 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 सवाल मेरा था ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब, हो गया। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ हाथ खड़े करो ऐसे, कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे, कोई भाई हाथ खड़े करो, डॉक्टर रिजवान वैसे हाथ खड़े करो ना। ड्रामा सीरियल है क्या ये, ड्रामा सीरियल? नहीं नहीं, सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ, सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ भाई, सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो मना कर रहे नहीं है, उनके हाथ खड़े कर रहे हैं, चलिए बात खत्म, वो हाथ वो कह रहे हैं नहीं है। थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने पे ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें, बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। शोएब जी आपकी इतनी होती रहती है फिर भी आपको फील नहीं होती है, तो रिबेका जी ने बहुत तरीके से जो है वो इनको रोस्ट किया है और मुझे लगता है कि इनको अगर ये समझदार हो ना तो दोबारा से टीवी पे ही ना आए, क्योंकि इनके जिस तरह के स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल भी वो उस टाइप के स्टेटमेंट नहीं लगते जो एक ऐसे इंसान के होने चाहिए जो अपनी जो कंट्री के अकॉर्डिंगली वो इस तरह के स्टेटमेंट एटलीस्ट ना दे कि आप एक कंट्री में एक साथ रह रहे हो और फिर वहाँ पर तेरा मेरा करना स्टार्ट हो जाओ तो आप सोचो कि वहाँ की कंडीशन क्या होगी। सपोज दैट कि मेरा अगर मैं कहूँ कि भाई एक घर में रहकर एक चीज़ है उसको मैं कहूँ कि ये मेरी है और वो दूसरा कहे ये मेरी है, मतलब हर कोई अपनी अपनी चीज़ें लेकर अलग हो जाए और तेरा मेरा करना शुरू हो जाए तो उस घर में प्यार मोहब्बत कैसे रहेगी। सेम वैसे ही आप एक कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर आपका मज़हब, चलो हमारा मज़हब अलग है दूसरों का मज़हब अलग है, लेकिन हमें ये चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं कि राइट्स सबके सेम है कंट्री में, आप एज अ नेशनैलिटी होल्डर आपको राइट्स सबको सेम मिलते हैं, ठीक है, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए भले आप कुछ भी हैं। अब वो न्यूज़ एंकर जो हैं उन्होंने जो है वो कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि मैं पढ़ लेता हूँ मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप जय श्री राम बोलेंगे क्या, आप महादेव बोलेंगे? और वाकई लिटरली उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि इनके इससे आइडिया होता है कि इनके अंदर जो है ना वो एक है कि नहीं हम तो ये हैं हम तो वो हैं, इस तरह की कोई लॉजिक है, और शायद यही रीज़न है कि आज इनको जो है वो लोग इतना लाइक नहीं करते। और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि वहाँ पर इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है इस लिहाज से कि मतलब कि ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, जबकि मुझे लगता है कि आप जब एक जगह पर रहते हो तो मिलजुल कर रहना चाहिए और हर एक के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हिंदू मुस्लिम करते करते ही रह जाएंगे तो फिर तो ना तो देश आगे बढ़ पाएगा और ना ही लोगों में प्यार मोहब्बत रहेगी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली सुनने को मिलेंगी। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि जिसको डिस्कस किया जाए जिस तरह से ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि न्यूज़ एंकर जो है ना इनको तो लेकर ही नहीं आना चाहिए, इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए यहाँ पर। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन ये है कि भाई बुलडोज़र अगर चलवाया और इलीगल जगह पर चलवाया उन्होंने जो भी किया वो बुलडोज़र वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब इंडिया में काफ़ी चल रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बुलडोज़र वाला जो सीन है वो काफ़ी अगर गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर इस पर एक्शन ले लाइक गवर्नमेंट अगर ने इलीगल चीज़ों पर एक्शन ले रही है तो इसमें क्या मसला है भाई, वो गवर्नमेंट का इशू है। गवर्नमेंट अगर ऐसे तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी इलीगल चीज़ें हैं जो कि उनको गवर्नमेंट एक्शन में आई और उन्होंने तोड़ फोड़ करवा दी,
क्योंकि वो इल्लीगल थी और आज उसको इल्लीगल को हटाने के बाद आप यकीन मानो वो जगह इतनी खूबसूरत और इतनी मतलब कि पहले कंजर्वेटिव थी, बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब इतनी अच्छी खासी जगह बन चुकी है, स्पेस बन गई है और वो लुक भी अलग आता है। तो सेम वैसे ही इंडियन अगर गवर्नमेंट इस तरह से कुछ एक्शन ले रही है तो इसमें क्या बुरा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इसमें बुराई क्या है। आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भाई ये लोग इस चीज़ को लेकर इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिस तरह से इनकी धुलाई हुई है ना, सीरियसली मैं तो कहती हूँ कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए और इनको तो दोबारा आना ही नहीं चाहिए न्यूज़ में, जिस तरह से इनको इनके साथ इतना हुआ। फिर अच्छा, मंदिर और मस्जिद की बात हुई तो हाँ, मंदिर जहाँ मंदिर की घंटियाँ बंद हुई, मेरे ख्याल से उसी टॉपिक पे बात कर रहे कि मंदिर की मस्जिद का वो स्पीकर हटा दिए, तो सेम वहीं पर ही अगर ये वही बात है तो यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ कि यहाँ पर आप साथ में देखो, उन्होंने मस्जिद की अगर स्पीकर हटवाए तो उसके साथ उन्होंने मंदिर के भी स्पीकर जो हैं वो हटवाए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मस्जिद के, तो उन्होंने दोनों को बराबर में रखा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसमें डिबेट करने लायक कोई बात रही, क्योंकि जब एक तरफा तो उन्होंने किया ही नहीं, दोनों को साथ में लेकर चले, तो फिर समझ नहीं आता कि ये लोग भाई क्यों इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। सो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।